सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, मेरे लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उमा शंकर प्रसाद ग्राम प्रधान सरैया बगडौरा। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में उमा शंकर प्रसाद ग्राम प्रधान सरैया बगडौरा पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में धांधली करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि मेरे ऊपर साजिश रची जा रही है। विरोधियों का काम है शिकायत करना। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, उसके खिलाफ शिकायत जरूर होती है। कहाँ कराने वाला है? यही कराने वाला है, बगडौरा का जी। आपके प्रधान जी का कार्यकाल कैसा है? ठीक है। शौचालय बना है जी? कितना मिला पैसा? 12,000। उसमें किसी कुछ आपने दिया भी है? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। आवास? आवास नहीं मिला है जी। कैसे हैं प्रधान जी? अब अच्छे हैं बुरे हैं? अच्छे हैं साहब, हमारे समझते हैं अच्छे हैं। अपने पर्चे बता दीजिए। हम गुरा कुमार कनौजिया, ग्राम सरैया बगडौरा जी, थाना नगरा, तहसील रसणा जी। आपकी ग्राम सभा में प्रधान जी के नेतृत्व में किस तरह का विकास हुआ है, हमें जानना चाहता हूँ। आवास कितने बने हैं, शौचालय नाम क्या बना, मतलब डिटेल हमको बताइए। नहीं, प्रधान जी के नेतृत्व में तो काम हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है जी। मैं जाँच के लिए दरखास्त भी दिया हूँ कई बार, लेकिन अधिकारी कर्मचारी उसको जाँच नहीं करते हैं। जी कहाँ कहाँ दरखास्त लगाए हम सर? वो उसमें दिए हैं, वीडियो के दिए हैं, मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ दिए हैं, डीएम के यहाँ भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। सारे लोग आते हैं बस दिखावा करके चल जाते हैं। सारे लोग आते हैं दिखावा करके चल जाते हैं, कुछ जांच नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये तो। कितने बार दरखास्त आप लगा चुके हैं सर? कई बार दिया हूँ, उसका काफी भी रखा हूँ अपने पास हम जी। मैंने किस प्रकार के धांधली की गई है, कुछ बिंदु प्रकार डाली है हमें सर। मान लीजिए देखिए, अभी अभी नया नया खड़ंजा हुआ है, अभी ये नया हुआ है, इसमें दो नंबर का ईंट लगा है। हाँ, मैं वीडियो साहब को फोन करके बताया। हाँ, वीडियो साहब से भी बात हुई, वीडियो साहब आकर ईंट दो लेकर चली गई है। हाँ, फिर उनसे हम बात किए फोन से। हाँ, अच्छा ये बताइए, वीडियो साहब काम निगल हुआ था या अनिगल? बोल रही थी कि भाई आपका काम जो आप जो फोन किए थे हमको, वो काम निगल हो रहा था, अनलीगल हो रहा था, ईंट खराब लग रहा था। फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वो चली गई। बोल दी कि हम काम रुकवा दिए हैं, लेकिन काम तो अभी भी चल गया। प्रधान जी इस पर सब दो नंबर की ईंट लगा करके अपना काम भी करा लिए हैं जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास जी कितना लाभार्थियों को लाभ मिला है और कितना मिला है, हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का। यहाँ हमारे नज़र में अभी 3 आवास बना है। हाँ, नहर के उस पार, जिसमें प्रधान जी भी पैसा उसमें मांगे थे, लेकिन वो लोग विवाद कर दिए। हाँ, कितना मांगे थे सर? यही कोई 20,000 करीब मांगे थे, 20,000 रुपया दिया गया या मांगे ही थे? नहीं, पैसा दिए भी हैं वो लोग। अगर हाँ, वो कहेंगे तो उनको हम बुला भी देंगे, वो कह भी देंगे। बताइए। हाँ, संजय कुमार राजभर, रामपुर सरैया बगडौरा। हाँ, थाना नगरा, तहसील रसड़ा, जिला बलिया जी। आपके ग्राम सभा में किस प्रकार विकास होता है? देखिए सर, हमारे ग्राम सभा में विकास होता है, लेकिन उस विकास में वैसा विकास नहीं होता है जो सार्वजनिक हो, वो जो जो लोग को देख देख कर विकास होता है। मान लीजिए हमारे गांव में गढ़ई है, उस गढ़ई को लोग पाट कर उसमें अपना मकान चाहे झोपड़ी ये सब डालकर उसमें पानी बहाने की दिक्कत है। यहाँ छठ पूजा होती है, पोखरा है, इसमें सारे लोग अतिक्रमण करके रखे हैं। यहाँ डी बाबा भवन बाबा के स्थान है, यहाँ पर लोग जो है कि कब्जा करके यहाँ पर गंदगी फैला कर, और जो है कि यहाँ पर गांव के औरतें आती हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो यहाँ बहुत सारे बातें बोलती हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और यहाँ बहुत तरह की जो है कि गंदगी हुआ है। ग्राम समाज प्रधान जी के तहत के द्वारा कुछ बहुत सारे काम हैं जो केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार की हैं, जैसे लाइट हुआ, सोलर लाइट, बिजली, नाली, खड़ंजा, कुर्सी वगैरह, इस प्रकार से कोई काम हुआ है आपके ग्राम सभा में? इस प्रकार से देखा जाए तो सर, कहीं पे भी नया नाली काम इस समय नहीं हुआ है, कहीं पे भी कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
जो वही है वो जो है कि खड़ंजा किया गया है, लेकिन वही पुराने वाले ईटा डाला गया है और उसमें जो है कि दो चार टाली नया ईटा पड़ा हुआ है, केवल मरम्मत किया गया है, कोई नया काम भी नहीं हुआ है। हमारे गाँव से पश्चिम तरफ हमारे गांव से नहर पार है, वहां भी स्थिति है वही है, लोग को नाली बनवाए और उसमें भी सब भट गया है, कोई नाली पट्टियां सब टूट फूट गई है, इसी तरह का कोई काम सही सिटेबल नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि आपके ग्राम सभा के प्रधान जी जो हैं आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे लोगों से धांधली करते हैं, उसके ऊपर पैसा वसूली करते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? 20,000 रुपया हर व्यक्ति से जो जिसके नाम से आवास आ गया है उनसे 20,000 रुपया मांगते हैं, और यही कार्ड राशन कार्ड आया था तो लोगों से 200-200 रुपया मांगे, किसी लोग से 200 रुपया मांगे, किसी से 100 रुपया लिए, कि बहुत हमारी माताश्री है, हमारी माताश्री हमारे पिताश्री हैं, इनसे हमारे प्रधान जी 8,000 रुपया पेंशन कराने के लिए ले लिए हैं लोग, हम आपसे जो है कि बताए नहीं, ये लोग छुपे छुपे ये लोग दे दिए कि चलिए प्रधान जी हमारा पेंशन कराएंगे, लेकिन ये नहीं कराएं, हम अपने तहत ये कराएं और उसको प्रधान जी कह रहे हैं कि हम कराए हैं। जी मेरा नाम राहुल सिंह है और सराय ग्राम सभा का मैं एक निवासी हूँ, और हमारे प्रधान जी से मिलना चाहते हैं, तो प्रधान जी, जी आज इस ग्राम सभा में प्रधान जी का कार्यकाल 4 वर्ष हो चुका है, इन 4 वर्षों में प्रधान जी के द्वारा किस किस प्रकार कार्य की गई, कैसे विकास हुआ आपके गांव में? देखिए हमारे प्रधान जी के माध्यम से जो कार्य संपूर्ण ग्राम सभा में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक चेयर रखी गई है जो उमा संघा पर ग्राम प्रधान सराम विकासन चिलघर के नाम से ये चेयर रखी गई है, लेकिन ये संपूर्ण ग्राम में बैठने की व्यवस्था नहीं कराई गई है। डस्टबिन लगाया गया था जो इसकी मरम्मत ना होने का डस्टबिन टूट गए हैं, और कुछ ऐसे जलमार्ग रास्ते थे जो बाढ़ आने की वजह से वो टूट गए हैं और उस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। उनके प्रधानमंत्री आवास में कहा जा रहा है आपके मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों के नाम होने की वजह से होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल पाया, संपूर्ण कहा जाए तो नहीं मिला है। ये हम ये जानना चाहते हैं, ये शिकायत है तो प्रधान जी आवास के नाम पर धन उगाही किए हैं 10,000-20,000-30,000 का? बेशक हो सकता है धन उगाही हो सकती है, और लाइटिंग के नाम पर भी धन उगाही हुई है, और मछली पालन के नाम पे कई ऐसे योजनाएं हैं जो धन उगाही पे अंतराल दिखाएगा, अगर पूर्ण रूप से जाँच हूँ उसके खिलाफ, अगर मैं इनके खिलाफ अगर मैं बोलना चाहूँ या मैं उनके खिलाफ जाना चाहता हूँ कि आखिर ये पूर्ण उगाही हुई है तो कोई काम किए हैं तो क्यों नहीं दिख रहा है, अगर काम अगर कंप्लीट कराए होंगे तो दिखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले एक्टिव नहीं था लेकिन इस बातों पर मैं एक्टिव हूँ और देख रहा हूँ कि गांव विकास में कोई कार्य हो नहीं पा रहा है संपूर्ण रूप से, एक विशेष लोगों को दिया जाता है लेकिन संपूर्ण जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये आपके नालियाँ सड़कें हुई हैं, कैसा विकास है? नालियाँ सड़कें तो पिछली बार मरम्मत हुई थी लेकिन इस बार मरम्मत नहीं हुआ और अभी भी वो जाम है, टूटी हुई है, और ये इसका मतलब मानते हैं आपके ग्राम प्रधान द्वारा धांधली की गई है? हाँ, उनके द्वारा उनके संयोजक जो भी हैं माध्यम से लोग हैं उनके द्वारा भी की गई है, धन उगाही तो भरपूर मात्रा में की गई है, क्योंकि जब काम दिखता है तो विकास दिखता है, और मोदी जी के सपनों को जब साकार करना है चूँकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और हम उसी रास्ते पर हैं कि इसको पूर्ण रूप से कार्य किया जाए, इसको संपूर्ण किया जाए। नाम बताइए। धनंजय प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा सराम। क्या आपको पता नहीं क्या नाम है? उमा शंकर गुप्ता। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। शौचालय बना है? जी शौचालय बना है। शौचालय बना है, कितना पैसा मिला है? 12,000। चेक के माध्यम से या खाते के माध्यम से? खाते माध्यम से। किसको पैसा आपने दिया है? पैसा किसको दिया है? किसी को। ये कहा जा रहा है शौचालय के नाम पर आवास के नाम पर वसूली हुई है प्रधान जी के द्वारा? नहीं नहीं, हमारे माध्यम से कोई वसूली नहीं है, और कोई दिया होगा तो वो जानता होगा, लेकिन हमारे माध्यम से कोई नहीं। आपने एक पर्ची दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम उमा शंकर प्रसाद गुप्ता है, मैं ग्राम पंचायत सरिया मडौरा ब्लॉक चिलकहर जिला बलिया का ग्राम प्रधान सन 1988 से हूँ। जी हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपका इस कार्यकाल में 4 वर्ष से अधिक बीत चुका है, इन 4 वर्षों में आपकी ग्राम सभा में केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार की योजना तमाम आई है, कहाँ तक लाभ दिए हैं? लाभ हमने तो बहुत दिया है, हमने तो प्रचार प्रसार करने के माध्यम से भी दिया है, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास है। कितना मिला है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सेम सूची में तो नाम बहुत था लेकिन कट गया है, ठीक है ना, जांच में लोग कटवा दिए, जो पात्र भी थे उनको नहीं मिला है,
हर गांव में जानते हैं कि राजनीति चल रही है, तो मात्र 17 का आसन सूची में नाम था, जिसमें दो जो है अनुसूचित जात में था लेकिन वो थे एसटी क्लास के, उनको मिला नहीं, मात्र 15 आवास मिला है। और उसके बाद जो सर्वे हुआ है, योगी जी ने चाहे मोदी जी ने सर्वे कराया कि जो पात्र छूट गए हैं उनका सर्वे किया जाए, तो उसमें 114 नाम अभी है, और जब फिर उसमें पात्रता की जांच की जाएगी तो जितने पात्र मिलेंगे उतना जो है जी हम आवास के नाम पर जिसे वो तो 11 सूची का अनुसार आपको मिला होगा 2011 को, नई वाली सूची कितना आपके द्वारा गई? नई सूची तो बना है, जैसे वो आपका जो मोबाइल ऐप जो है प्रधानमंत्री जी ने निकाला था कि हम मोबाइल ऐप से जो है फोटो खींचा जाएगा जो पात्र बचे हैं, झोपड़ी है, करकट है, कितने गए हैं हमको? 114 है, 14, लेकिन अब उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है, नहीं वो जनवरी में होगा, जनवरी में जनवरी होगा। हाँ जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं केंद्र सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शौचालय, शौचालय तो कितना आपके यहाँ बना है? शौचालय हमारे यहाँ समझ जाइए कि पहली सूची में था 366, उसके बाद आया 70 जी हमारे कहते हैं दोनों सूची, उसके बाद 26 आया, फिर 13 है, और कुछ टोटल करके समझ जाइए कि 366, और उसमें से जो है डबलिंग भी है, डबलिंग ये समझ जाइए कि कम से कम 50 डबलिंग है जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं शौचालय, हाँ बताइए, 16 लाइट लगी आपके यहाँ? 16 लाइट लगी है मात्र हमारे अभी कार्यकाल में, इस कार्यकाल में 6 लगा है, कुर्सी में कुर्सी मेरी बीच लगा है जी है। जी हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके यहाँ सफाई कर्मी कितने हैं और जनसंख्या आपके गांव कितनी है? सफाई कर्मी हमारे यहाँ जनसंख्या है 3093 जी, 2011 की जनगणना के अनुसार हमें दो चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, 2000 पर एक सफाई कर्मी का है, तो हमारे 3093 है तो दो होना चाहिए। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सफाई कर्मी से काम लेते हैं, हाँ लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, वो हट गए, ये तो ट्रांसफर कराकर चला गया, मात्र एक था, हाँ उसके बाद दो का की नियुक्ति हमने कराया डीपीआरओ से, हाँ वो ज्वाइने नहीं किए, उनका नाम भी हम बता दें, एक सवन का था आपका लालचंद राम, और एक जो है समरा का था। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके कार्यकाल आ ही नहीं रहे हैं, कितनी भी दरखास्त दिया डीपीआरओ साहब से, मैंने कहा भी है लेकिन कोई काम करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कि हमने काम हम कराते हैं काम लेते हैं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके कार्यकाल कुछ ही दिन बाकी हैं, हाँ और क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं कुछ अपने? मांग यही करना चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो विकास कार्य जो अधूरे हैं, जैसे बड़े बड़े काम हैं, ऐसे तो मैं अपना खड़ंजा है चाहे नाली है मैंने बनवाया है, कुछ और बाकी है, और पोखरा जो है हमारे ग्राम में 3 पोखरे हैं सार्वजनिक पोखरे, उसमें जो हम चाह रहे हैं कि उसका सुंदरीकरण हो, एक मेन गांव में है राजी नंबर 527 है, 663 है इधर पूरब है बाहुसालों की तरफ, वो भी बहुत बढ़िया पोखरा है, और इसके बाद एक इधर है यादव बस्ती की तरफ है 393 नंबर, और उसको हम चाह रहे हैं कि उसका सुंदरीकरण हो, उसमें पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है जी। आपको कितना डिमांड करना चाहते हैं? हम उसमें डिमांड तो हम चाहते हैं कि सुंदरीकरण कम से कम उसमें लगभग लग जाएगा 1 करोड़ रुपया होगा तो हो जाएगा जी। ये सारे बात आपकी मांग चैनल के द्वारा सरकार तक आपकी बात पहुँचाई जाएगी, परंतु कुछ आपके गाँव से हैं ये शिकायतें गई थी प्रधान जी के द्वारा, धान केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की कोई भी योजना लागू करने से पहले आम जनता से धन उगाही किए हैं, कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल नहीं किए धन उगाही, बिल्कुल नहीं किए जी। ये कहा जा रहा है जैसे आपने महत्वपूर्ण शौचालय हो चाहे आवास हो देने से पहले आपने उनसे एकदम नहीं, एक नया पैसा कोई बता दे कि शौचालय में आवास में हमने पैसा लिया है, कोई भी बता दे प्रूफ के साथ जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में कहा जा विकास कार्यों में लापरवाही बरसते हैं? बिल्कुल नहीं, तो काम चाहते हैं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं इतने सालों के बाद किस इस प्रकार के आरोप आपके क्यों लगने लगे?
अब हमको तो ऐसे तो विरोधी हैं लगाएंगे ही, विरोधी जो है बिना उनकी राजनीति उनकी जो है दुकानदारी चलेगी नहीं। क्या चुनाव नगीच आ गया है, कुछ दिन बाकी हैं, तो क्या किस रूप में देखते हैं? हम तो अच्छा देख रहे हैं अपना कार्यकाल। नहीं नहीं, जो आरोप लगे हैं उस किस रूप में देख रहे हैं? अब हम गलत देख रहे हैं जो जो लगा रहे हैं। मतलब आप जो बेबुनियाद मान रहे सब? हाँ।